उधर पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहारनपुर के जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। इस दौरान पहलवानों ने चंद्रशेखर की सेहत के बारे में जानकारी भी ली। तो चंद्रशेखर आजाद की सेहत के बारे में जानकारी लेने के लिए पहलवान भी अब वहां पहुंच रहे हैं, और ये देखिए पहलवानों का तांता वहां लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एपी गंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भी मामी के चीफ चंद्रशेखर रावण पर हुए हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस हमले से चार दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर रावण को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। फेसबुक पेज पर लिखा गया कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे, जिसे और उसके बाद इस मामले में गौरीगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही थी। आर्मी प्रमुख पर सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भीमामी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर बुधवार को सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ था। जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए हैं और चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली उन्हें छूकर निकल गई, जिससे वे घायल हो गए। चंद्रशेखर की कार पर गोलियों के निशान भी साफ नजर आ रहे हैं। एसपी देहात का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद देवबंद की गांधी कॉलोनी में किसी के पास मिलने गए थे। वहां से निकलते समय दो युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें छर्रे लगने से चंद्रशेखर जख्मी हो गए। हमलावर एक कार में सवार होकर फरार हो गए। भीमामी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का हाल जानने के लिए नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में भाजपा के नगर विधायक राजीव गुंबर और मेयर डॉक्टर अजय सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचे थे। इस दौरान विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि चंद्रशेखर सम्मानित नेता हैं और उनके ऊपर हुआ ये हमला दुखद है। चंद्रशेखर फिलहाल खतरे से बाहर हैं। उधर आरएलडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा अहलावत भी चंद्रशेखर का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंची। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद जब वे बाहर निकले तो उनके सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाए गए। मनीषा अहलावत ने कहा कि बीते 2 साल से चंद्रशेखर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात को लेकर अनसुना कर दिया गया था। कोई भी सुनवाई नहीं की गई थी। आज माननीय चंद्रशेखर जी का स्वास्थ्य पता करने के मैं महानगर अध्यक्ष जी, आदरणीय राघव जी, आदरणीय मेयर साहब सब लोग गए थे। निश्चित रूप से हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो, और जो भी घटनाक्रम है वो दुखद है, और हम उनका हालचाल पूछने आए थे। उनका स्वास्थ्य ठीक है और प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हम सबकी कामना है। कोई बता रहे थे कि अभी कुछ इन्फेक्शन वगैरह की? नहीं, ऐसा कोई जानकारी ना सीएमओ साहब के द्वारा दी गई और ना माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा दी गई। उन्होंने भी कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। कब तक कह रहे हैं डिस्चार्ज करने? अभी ये तो देखिए, ये डॉक्टरों का अपना मत होता है, उसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप करें वो ठीक नहीं। जो इनके ऊपर गोली कांड हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं? कानून अपना काम करेगा, और कानून उनके ऊपर गोली किसी ने चलाई है वो निश्चित रूप से जेल जाने चाहिए, और ये जेल जाएंगे। बहुत एक दिल को सुकून मिला कि भाई बिल्कुल ठीक है, सकुशल है, अभी स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत है, तो आराम जरूरी बताया है, आराम तो करेंगे। और अब उनकी जो जिन्होंने हमलावर थे उनके बारे में कुछ पता चला? पकड़ पुलिस ने पकड़ा नहीं पकड़ा? अभी तो कुछ पता नहीं लगा है। अब आप लोग आगे कैसे भीम आर्मी के साथ रहेंगे? क्या देखिए, हम तो एक बहन के नाते, मैं तो अपने भाई की देखने आई थी। इस वक्त मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ लोकदल से, राष्ट्रीय लोकदल से, तो हम सभी बहुत चिंतित थे और एक बार अपने आँखों से देखना चाहते थे कि वो ठीक हैं, और वो देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चिंता बनी रहेगी कि इस तरह का हमला हुआ कैसे, और क्या आगे इसे रोक पाने में हमारी सरकार कामयाब रहेगी, क्योंकि अभी तो हमलावरों का पता ही नहीं लगा पाए हैं।
चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गिरा है, जिस वजह से हाईवे बाधित है। जिस जगह से मलबा गिरा है वहां से होकर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्री भी होकर गुजरते हैं। जाहिर है रोड बंद होते ही यात्रियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। यात्री घंटों तक जाम में जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है, जिससे पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरते हुए दिख रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पहाड़ी से किस तरह से मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। मलबा गिरते ही धूल का गुबार उठ रहा है और ये सामने वीडियो आपके सामने है। चमोली में बारिश की वजह से पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और इस मलबा कई गाड़ियों के ऊपर गिरा है। ये तस्वीर गोपेश्वर की है, जिसमें आप मलबे में दबी गाड़ियों को देख सकते हैं। ये सभी वाहन पार्किंग में खड़े हुए थे, जिनके ऊपर पहाड़ी से मलबा आ गिरा है। मलबा हटाने के बाद वाहनों को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, मगर मलबे में दबकर वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कानपुर के रावतपुर इलाके में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें आसपास के मौजूद लोगों पर हड़कंप मच गया। लोगों ने किसी तरह से सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और जिसके बाद मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल सहारनपुर में एक कार कीचड़ में स्लिप होकर नाले में जा गिरी। हादसे के समय कार में कई लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को किसी भी तरीके से बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई। लोगों का कहना है कि कुछ रोज पिछले पहले नाली की सफाई की गई थी, मगर उससे निकले मलबे को साफ नहीं किया गया। ऐसे में इस मलबे की वजह से आए दिन हादसे होते रहे हैं। झांसी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पहली वारदात थाना सिपरी बाजार के SIC इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार दिया और फिर बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था। इसी शक के चलते आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उधर दूसरी हत्या मोट थाना इलाके की बताई जा रही है। एक शख्स का रात के समय सोते समय मर्डर कर दिया गया था। सोनभद्र में एबीपी गंगा की खबर का असर देखने को मिला है। पिकअप मालिक के अपहरण और हत्या मामले में चौकी प्रभारी रॉबर्ट्सगंज सस्पेंड कर दिए गए हैं। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मामले में चौकी प्रभारी संतोष सिंह को लापरवाही बरतने पर SP ने सस्पेंड कर दिया था। और रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी और जिसके बाद बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली भी लगी है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश प्रयागराज के नैनी थाना इलाके के रहने वाले हैं। कन्नौज में पूर्व प्रधान की हत्या में फरार चल रहे आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दो अपराधियों को पुलिस की गोली लगी है और जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल अपराधियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कन्नौज में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक कारोबारी के परिवार को बंधक बना लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नकाबपोश बदमाश ने कारोबारी के घर पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाश लाखों की डकैती डालकर फरार हो गए। पुलिस CCTV के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है।
रायबरेली में फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ये गिरोह फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 9.25 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। गिरोह के सदस्य पटना के रहने वाले हैं। ललितपुर से सराफा कारोबारी के साथ लूट की वारदात हुई है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी गांव-गांव जाकर सोने और चांदी के आभूषण बेचता था। लुटेरों ने सराफा व्यापारी को तमंचा दिखाकर पहले पिटाई की, फिर उसके पास मौजूद करीब 60,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। सराफा व्यापारी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, जहां दबंगों के आगे राजस्व विभाग की टीम दुम दबाकर भागने का को मजबूर हो गई। बताया जा रहा है कि ये शिकायत पर धारा 24 की पैमाइश करने पहुंची थी टीम, मगर कुछ लोग इसका विरोध करने लगे और पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ ही भिड़ गए। दबंगों के विरोध के चलते राजस्व विभाग की टीम पैमाइश छोड़कर बैरंट लौट गई। अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करता हुआ दिख रहा है। इसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि कोई इस तरह से स्टंटबाजी ना सिर्फ जानलेवा होता है बल्कि ये ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन है। बिना किसी परवाह के ये स्टंटबाज स्टंटबाजी करते हुए दिख रहे हैं रोड पर। खबर नोएडा से है। नोएडा में लुटेरों का आतंक बढ़ गया है। लुटेरों के आतंक की एक और तस्वीर आपके सामने है। बाइक सवार लुटेरे महिला से दिन दहाड़े मोबाइल लूटकर फरार हो गए। यह मामला थाना 24 इलाके का बताया जा रहा है। इस दौरान महिला काफी दूर तक घसीटते हुए नजर आई, जिससे महिला को काफी चोट आई है। महिला का की शिकायत पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। और वहीं बिजली कटौती को लेकर झांसी में लोगों ने प्रदर्शन कर दिया है। प्रदर्शन के बीच तहसील मऊरानीपुर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों के साथ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। किसानों का कहना है कि लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं टिहरी में गैस वाहन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 20 गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिसमें से अचानक आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर वाहन को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। जानकारी के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का काम शुरू हो गया। बांदा में पहले ही बारिश से शहर में जलभराव का देखा जा रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से जगह जगह जलभराव हुआ है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने अपनी पानी की जो निकासी के लिए नालियां बनाई थी उसे साफ नहीं करवाया, जिसकी वजह से अभी नतीजा देखने को मिल रहा है। शहर में जलभराव का जो मंजर है वो साफ लोगों को दिख रहा है। उधर मौसम का मूड भी बदल गया है। नोएडा में बारिश हुई है, जिस वजह से शहर में जहां तहां जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से एक तरफ मौसम सुहावना हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के लिए निकलने वाले लोग भी परेशान नजर आए। उधर ग्रेटर नोएडा में बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा कुलेसरा मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा। वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आई। बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से जल भराव हर तरह से देखने को मिल रहा है।
बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सहारनपुर में बकरीद पर ईदगाह में नमाज अदा की गई है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उधर सोनभद्र में बकरीद पर नमाज अदा की गई। बकरीद पर मुस्लिम समुदाय के लोग कुर्बानी देकर एक दूसरे से गले मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।